हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का जो है स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो अपन लेके आने वाले हैं एक बार फिर CB200X। ये खड़ी भाई अपनी बाइक, तो इसमें करवाया है एक नया मॉडिफिकेशन जो आपको पीछे दिख रहा होगा। ये अपन ने लगाया है इसका एक क्रैश गार्ड, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत, काफ़ी बड़ा क्रैश गार्ड है। इसी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, क्या कैसा लगवाया, कितने का पड़ा, कैसी क्या इंस्टॉलेशन रही। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो आपको पता है क्या करना है यार, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को करना है ऑल, ताकि इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ आपको इस क्रैश गार्ड के बारे में। सो भाई स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रैश गार्ड ये है, देखो भाई, कंप्लीट क्रैश गार्ड जो कि आपका पूरा इंजन को और पूरी जो है टैंक की बॉडी को सेफ कर रहा है। यहाँ से जो है इसका जॉइंट है पूरा, यहाँ पे देखो इसका जॉइंट आ रहा है एक, और इसी तरह की जो है डिज़ाइन यहाँ पे है। यहाँ पे लगे हुए हैं इसमें फ्रेम स्लाइडर्स जो कि बाइकों को अगर आप बाई चांस कभी गिरती है या फिर एक तरफ झुकती है तो इन पे सारा वेट आ जाता है फ्रेम स्लाइडर्स पे, और ये बाइक को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं, जिससे आपका जो ये नकल गार्ड्स हैं, हैंडल है, वो भी सेफ होता है। टैंक की साइड तो आपकी पूरी सेफ रहती ही है। तो ये जो है इसका कंप्लीट, इसको लगाने के पीछे का यही अपना मकसद है कि बाइक को जो है बॉडी को ये सेफ करता है, क्योंकि ये फाइबर प्लास्टिक है तो कहीं ना कहीं इसमें गिरने के बाद डर रहता ही है टूटने का, तो उस चीज़ के लिए मैंने जो है ये लगवाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंप्लीट जो सेटअप है वो कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ से इसकी फिटिंग है और कैसे क्या जो ये कंप्लीट अपना लगा हुआ है। तो देखो ये कंप्लीट जो मैंने लगवाया है ये लगवाया बाइकर्स भाई से, सब कंप्लीट ये सेट बना हुआ आया था पूरा। यहाँ से देखो इसमें जैसे बेल्डिंग करके इसको पूरा सेट किया हुआ है, यहाँ से इसको बेल्ड करके, यहाँ से पाइप, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ पाइप की मजबूती काफ़ी अच्छी है। ये देखिए आप लोग, पाइप की मजबूती काफ़ी अच्छी है, बेल्डिंग वगैरह प्रॉपर कंप्लीट हुई है, पाउडर कोटिंग करके कंप्लीट इस पे कलर हुआ है, तो कलर भी काफ़ी मजबूत है, इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है। और यहाँ पे माउंट वगैरह लगाने का भी मेरे को जो है काफ़ी स्पेस मिल गया, तो इस पे शॉर्ट्स वगैरह जब राइड के दौरान शॉर्ट्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इसमें जो है, यहाँ से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो इसका लेग गार्ड था कंपनी का वो यहाँ फिटेड था, बहुत ही लोकल सा लेग गार्ड था, तो वो अपन ने हटवा दिया है। एक फिटिंग इसमें एक बोल्ट यहाँ से है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, एक बोल्ट जो है इसका यहाँ से फिट हुआ है, एक बोल्ट जो ये इसका इंजन काउल है उसके नीचे से फिट हुआ है। ये पाइप देखिए इसका जा रहा है इंजन काउल के यहाँ पे, और वहीं उधर से सेम यही फिटिंग उधर की तरफ से है, और एक जो है इसका यहाँ पे अपना जॉइंट दे रखा है एक, जिससे इसको जो है यहाँ से इसको पूरा फिट किया हुआ है। इधर की तरफ आते हैं अपन, तो सेम वही डिज़ाइन, सेम सब कुछ, फिटिंग वही है। यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हुआ है इसका, ये देखिए बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे इसका एक बोल्ट लगा रखा है, यहाँ से एक इसको जो है सपोर्ट मिला हुआ है, एक इसको जो है सेम नीचे से सपोर्ट मिला हुआ है, एक फ्री है ये वाला जो कंपनी वाला लेग गार्ड था उससे जो है आपका फिटेड था, तो वो फ्री है, और एक जो सपोर्ट मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से जो आपकी ये फुट रेस्ट का गार्ड है यहाँ से आपको जो है एक सपोर्ट मिल रहा है। तो 1, 2, 3 और 4 आपके कंप्लीट 4 सपोर्ट इसमें हो गए हैं, तो काफ़ी मजबूत और मतलब पक्का काम हो गया। और यहाँ से अच्छी लग रही है। यहाँ पे जेरिकेन वगैरह, जैसे आप लंबी राइड पे जाते हो तो जेरिकेन वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे आपका मतलब कंप्लीट सेटअप हो जाता है, यहाँ पे आप जेरिकेन वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे आपका ये पूरा इंजन काउल सेफ है, क्योंकि यार मोस्टली इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक फाइबर है तो गिरने के बाद डर रहता है टूटने का, तो ये कंप्लीट जो है सेफ करेगी। यहाँ पे इसके फ्रेम स्लाइडर्स आ गए, यहाँ पे अभी एक फ्रेम स्लाइडर और लगेगा सेम इस साइड का जो कि इधर लगा हुआ है, एक नीचे और ये के सेम फ्रेम स्लाइडर यहाँ पे लगेगा, और सेम इसी तरह के फिटिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि थोड़ा सा मुझे जो ये ब्रेक लीवर और गियर लीवर में थोड़ा सा मतलब हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे पैर अड़ता है, बट अगर जब हैबिचुअल हो जाते हैं उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। बट उसके बाद ये सारा जो है इसका कंप्लीट आप देख लीजिए भाई सेटअप, और इसकी फिटिंग मजबूत फिटिंग है इधर से कंप्लीट पूरी यहाँ से, तो कहीं भी बाइक आपकी गिरती है तो काफ़ी हद तक जो है बाइक की बॉडी को ये सेव करता है। तो ये है इसका कंप्लीट सेटअप, एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए क्रैश गार्ड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी मजबूत पाइप यूज़ किया गया है, और इस पे माउंट्स वगैरह भी मैं एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ, तो राइड के दौरान शॉर्ट्स वगैरह लेने के भी जो है काम आएगा। तो ये अपना था कंप्लीट क्रैश गार्ड, यहाँ पे देखिए एक फिटिंग हुई है, यहाँ से 4 जगह से फिटिंग मैंने आपको बताई, सेम इधर से और सेम उधर से, तो काफ़ी मजबूती से फिटिंग करी गई है इसकी,
और काफी हद तक ये बाइक को जो है अपनी सेव करने वाला है। सो भाई, ये था अपना कंप्लीट क्रैश गार्ड का सेटअप जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब कितने का पड़ा, कहाँ से लगवाया, बाइकर्स भाई जयपुर में शॉप है, उन्हीं ने ये मंगवा के दिया था मुझे, फिटिंग विटिंग सब करके दी, फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह सब मैंने वहीं से इंस्टॉल करवाए हैं। प्रॉपर फिटिंग का काफ़ी टाइम लगा भाई, ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए इसको प्रॉपर अच्छी तरह फिट करने में। एक एक बोल्ट को, एक एक नट को काफ़ी अच्छी तरह फिट किया गया है। और इसकी जो रेट आपको पड़ी ऑलमोस्ट 8000 के आसपास ये आपको पड़ेगा, कंप्लीट फिटिंग वगैरह, फ्लेम स्लाइडर्स और डिलीवरी चार्जेस सब लगा के बाद ऑलमोस्ट 8000 का ये पड़ा। तो जयपुर से अगर आप भाई लोग हैं और इस बाइक के लिए या फिर और भी किसी बाइक के लिए बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर बाइकर्स भाई आप सर्च कर लीजिएगा, आपको जो है स्टोर का लोकेशन आपको गूगल मैप पर भी मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट वगैरह मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था अपना भाई एक छोटा सा वीडियो के क्या जो है मैंने कैसे क्या लगवाया। इंस्टॉलिंग के टाइम मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत टाइम लग गया था, तो छोटे से मैंने क्लिप्स लिए वो आपको वीडियो के बीच में मैंने दिखाई दिए थे। होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आया होगा। तो छोटा सा वीडियो तो अपना लाइक कर देना, और इसी तरह का जो है बाइक्स रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बाकी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर ये बाइक किसी भाई के पास हो और उसको मॉडिफिकेशन के वीडियोज़ देखने हो। बाकी इस बाइक के और भी वीडियोज़ मैं आगे जो है आपको बना के बता दूंगा, और लॉन्ग राइड का भी प्लान चल रहा है तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वी आर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।